जैसे आप सबको पता है कि 17 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की फुल बॉडी मीटिंग यहाँ उड़ीसा में हुई थी, जिसपे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है यहाँ और जो स्टेट पुलिस के डीजी हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बताया था। और उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी इलेक्शन कमीशन से कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है वो प्री पोल फेज़ के लिए डिप्लॉयमेंट उनका कर दिया जाए, ताकि हम इलेक्शन के पर्पस से एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग और जो हमारे नाका पोस्ट लगते हैं इसमें जो चेकिंग होती है, तो वो MHA का रूल है इलेक्शंस के समय कि जब ये बॉर्डर पे नाके लगते हैं, जैसे कि आप समझिए कि अगर खुर्दा और पुरी के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगेगी, ताकि इलेक्शंस में कोई भी इनलीगल मीन्स या अनफेयर मीन्स है, मनी है या लिकर है या ड्रग्स है या कुछ भी और गिफ्ट आइटम्स जो नहीं अलाउड, जो कि एक अनफेयर मीन्स है, वो सब नहीं यूज़ हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, स्टेट बॉर्डर्स पे और डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट लगती है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का होना ज़रूरी है। तो इसलिए इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी एक आध हफ्ते में हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से तब अपनी ये डिमांड रखी थी कि हम लोगों को जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जल्दी से जल्दी दे दी जाए, ताकि हम अपने प्री इलेक्शन प्रिपरेशन, प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए और ये एरिया डोमिनेशन, चेकिंग, पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्चेस के लिए हम उनको यूज़ कर सकें, ताकि जनरल सब लोगों में एक विश्वास का भाव हो स्टेट पुलिस में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत नक्सल एक्टिविटीज़ इलेक्शंस को देखते हुए बड़ी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी कंधमाल में, कभी बाउध डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ बॉर्डर, कंधमाल बॉर्डर पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह हो रहा है या इनके कैंप्स वगैरह मिल रहे हैं। तो ये मेओस्ट का, नक्सल का इरादा था कि इलेक्शन के पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वो लोग यहाँ पर जो उड़ीसा स्टेट में अपनी एक्टिविटी बढ़ाए, अपनी गतिविधियाँ बढ़ाए। तो वो गतिविधियों को और इनके इरादों को जो है नेस्तनाबूद करने के लिए भी ज़रूरी था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो प्री इलेक्शन डिप्लॉयमेंट है, वैसे उड़ीसा में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन खास करके प्री पोल फेज को देखते हुए, इलेक्शन से पहले जो हमें नक्सल को एक्टिविटीज़ को एकदम यहाँ पर बंद करना है, यहाँ से उड़ीसा से ख़त्म करना है, ताकि बिल्कुल शांत वातावरण में लोग भयमुक्त होकर जो है वोट दे सके और ये चुनाव सफल कराया जा सके। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने उड़ीसा स्टेट के लिए 75 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज दी हैं। इसमें 35 कंपनियाँ जो हैं वो CRPF की हैं, 35 कंपनियाँ BSF की हैं और 5 कंपनी CISF की। इसका डिटेल्स हम आपको ये प्रिंटेड प्रोवाइड कर देंगे, ये सब डिटेल्स की कितनी कितनी कंपनीज के स्पोर्ट्स की हैं। और उन कंपनीज को जो जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेंसिटिव, वो हाइपर सेंसिटिव एरियाज इलेक्शंस को देखते हुए हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट्स में उनका डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है। ये डिप्लॉयमेंट दो फेज में हुआ, एक 1 मार्च को पहला इंडक्शन हुआ, 7 मार्च को दूसरा इंडक्शन हुआ। पर अब जो भी जगह पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर तय किया कि यहाँ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस प्री पोल के लिए एरिया डोमिनेशन, पेट्रोलिंग, चेकिंग, फ्लैग मार्च के लिए लगेंगी, वो सारी कंपनीज जो है अभी डिप्लॉय हो चुकी हैं। और वो कंपनीज जो है इन एरियाज में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं। CRPF का डिप्लॉयमेंट, जैसे आपको सबको पता है कि 2001 से CRPF जो है उड़ीसा स्टेट में डिप्लॉय है। तो CRPF क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स है और सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट CRPF का है, इसलिए IG CRPF उड़ीसा सेक्टर जिस पोस्ट पर अभी मैं हूँ उसको स्टेट फोर्स कोऑर्डिनेटर MHA ने डिक्लेयर किया। मतलब जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टेट में डिप्लॉयमेंट होगा, मूवमेंट होगा पोल्स से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के समय जो पोलिंग बूथ पे होगा और इलेक्शंस के बाद में, वो डिप्लॉयमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट फोर्स पुलिस फोर्स के साथ में, तो IG उड़ीसा सेक्टर को MHA ने ऑथराइज किया है, अपॉइंट किया है विद द अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन।
तो ये स्टेट फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करना, इनका डिप्लॉयमेंट देखना, ये लोग वहाँ पर इनका अकोमोडेशन वगैरह, इनका ट्रांसपोर्टेशन और ये सब जिम्मेदारी जो है आईटीएम को दी गई है। तो ये सभी फोर्सेस जो है अपनी अपनी जगह पर पहुँच चुकी हैं, इनका डिप्लॉयमेंट हो चुका है और ये यहाँ वहाँ पर जो भी थ्री फोर फेज में उनको काम करने का है वो काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मुझको रोज इलेक्शन कमीशन को MHA के थ्रू भेजनी होती है, तो वो भी रिपोर्ट हम रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमने जो कंपनीज मिली हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, MHA की तरफ से प्री पोल डिप्लॉयमेंट के लिए, वो लोग रोज क्या काम कर रहे हैं। तो इनका यही हेतु है कि ये जो भी अपनी एक्सरसाइजेस करें, अपने पेट्रोलिंग करें, एरिया डोमिनेशन करें, एंटी नक्सल ऑपरेशंस करें, जिससे कि एक विश्वास का भयमुक्त वातावरण चुनाव के लिए उड़ीसा स्टेट में स्थापित हो। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उड़ीसा में इस बार असेंबली इलेक्शन भी है और जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि चुनाव से पहले शांति की और कायदा व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। तो इसी के लिए ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात हैं और हम भी अपना कार्य कर रही हैं। साथ साथ CRPF ने 4 नए कैंप 2023 में लगाए हैं, बिल्कुल अंदर के इलाकों में, जंगल में काफ़ी डीप जाकर ये कैंप्स लगाए गए हैं। और इसीलिए 2023 में स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इन कैंप्स की प्लानिंग की गई थी ताकि छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जो भी नक्सल इन्फिल्ट्रेशन स्टेट में अगर होने की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन थे उस समय भी और अभी भी छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, तो ये लोग जो है वो शेल्टर लेने के लिए या वहाँ से इनको भगाया जाए, प्रेशर क्रिएट करा जाए, तो उड़ीसा स्टेट में आके नहीं ये लोग अशांति फैलाएं। इसलिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर डीप फॉरेस्ट में हमने अपने CRPF के 4 नए कैंप्स लगाए हैं और इसमें CRPF की जो स्पेशल ऑपरेशनिंग फोर्स है कोबरा, तो कोबरा को भी वहाँ पर तैनात किया गया है और ये लोग वहाँ पर जो है अभी अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं।